अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड फर्स्ट वीडियो। आज मैं आपको शमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि हमारी समर की होती है। हम समर के कपड़ों के नीचे से पैं यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके कलर्स बहुत लाइट होते हैं। इसलिए ये देखें, ये मैंने कमीज़ ली है। इसका हमने, इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है और लंबाई जो है हमने 31 इंच ली है। ये एक फुल साइज़ की शमीज़ है। ये मैंने इसका पीस कटिंग किया हुआ है। अब हम इसका तीरा नापेंगे। ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है 11 इंच है, ठीक है। ये मैंने इसका पीस अलग किया हुआ है, दो पीस रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हम तीरा लेंगे, जो कि है हमने 8 इंच लिया है, और यहाँ से हम लोग 9 इंच ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की है और इसको हम मिला लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच का गैप छोड़ के फिर हमने इसको सर्कल की शेप देनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको गुलाई करनी है, ठीक है। ये देखें, और फिर हमने काट लेना है। ये अब हम लोग गले का मेजर कर रहे हैं। यहाँ से हमने 6 इंच इसकी लंबाई ली है, ठीक है। हमने निशान लगाया है और अब हम इसको थोड़ा सा गोल करेंगे गुलाई में, ठीक है। आप पेंसिल से लगा लें, चौक से लगा लें, जिस मर्जी से निशान लगा लें। उसके बाद फिर अब हम इसकी इकट्ठी कटाई करेंगे। ये हमने पहले कंधे की कटाई की, उसको भी हमने गोल, पहले सीधा निशान लगाया फिर हमने गोल कट किया। अगले पिछले दोनों पार्ट्स हैं। अब हम इसके कंधों की कटाई करेंगे, वो भी थोड़ी सी तिरछी होती है, यानी कि आधे इंच का फ़र्क दे के और कटाई करते हैं, बस थोड़ी सी। अब हम गले की करेंगे, ठीक है, सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटाई होगी। ये फ्रंट पार्ट के कपड़े को आप उठा लें ध्यान से और उसकी गुलाई में कटाई कर दें, ठीक है। और बैक की आधे इंच का फासला छोड़ के, या 1.5 इंच का, 1 इंच का, जितना आपने रखना है, जितना आप छोटा पीछे का चाहते हैं उतना आप छोटा कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं होता लेकिन, ठीक है। ये मैंने 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़ा है और कटाई कर दी है, ठीक है। अब हम इसकी फ़िटिंग की तरफ आएंगे। सॉरी, पहले हम इसके फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स की थोड़ी सी ज़्यादा कटाई करेंगे। अब हमने फ़िटिंग का निशान लगाया। फ़िटिंग ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी दी जाती है इसकी फ़िटिंग, क्योंकि शमीज़ है, नीचे से शमीज़ थोड़ी सी खुली ही होती है। और अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। ये देखें, हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों को सीधा कर लिया है और इनको फैला लिया है। अब हम इनके कंधों की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। दोनों को देखें, हमने फैला लिया, इकट्ठा कर लिया, दोनों की सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो सॉरी अगर मुझसे कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी हो बोलने में। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम बनाती रहूँगी तो समझ आ जाएगी। आई होप सो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये हमने दोनों कंधे स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसके गले को स्टिच करेंगे, बिल्कुल बारीक सा मोड़ना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल मैंने बारीक सा मोड़ा है और अगला पिछला दोनों गले जो है ना, हमने इकट्ठे ही स्टिच करने हैं, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल बारीक सा मोड़ा और अब हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, वरना ये कपड़ा जो है लफ जाता है, क्योंकि शमीज़ का कपड़ा बहुत बारीक होता है और रेब इसकी सिलाई हो रही होती है गोल, तो वो खींच जाता है, लफ जाता है जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं इसके कंधों की सिलाई करूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे बाजू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बाजू नहीं लगाए, ठीक है। और अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई करूँगी।
ये देखें, फिटिंग की थोड़ी सी बारीक सी बस सिलाई करनी है। इसको साथ से पक्का कर दिया ताकि आपका टांका ना उधड़े, ठीक है। अब मैं इसके चाक सीऊंगी और चाक भी बस छोटे छोटे बारीक से ही सिलेंगे और सिंगल सिलाई लगेगी उसके ऊपर। कमीज़ के चाक की डबल सिलाई दी जाती है लेकिन शमीज़ के चाक की सिर्फ सिंगल सिलाई होती है, ये देखें, ठीक है। ये एक सी है और ये दूसरा, दोनों साइड मैंने स्टिच कर ली है। अब मैं इसके घेरे की सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें, इसकी भी सिंगल सिलाई होगी और ये मेरी शमीज़ सिल के रेडी हो गई है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो मेरी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।